आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो फिर अगर आपको जानना है कि यहाँ पास में से शेयर मार्केट में जो चार्ट बनते हैं उसमें आपका जो भी यानी कि क्या बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप कैसे पता लगा सकते हो, काफ़ी इजी वे में बताऊंगा, दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप काफ़ी परफेक्ट आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ताकि आप उससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। ये 100% वर्क तो नहीं करता, मतलब कि आप इसे इस पर 100% डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन ये आपके काम जरूर आएगा। यहाँ इधर से मार्केट रिवर्स कर सकता है तो फिर आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। तो फिर वो ट्रिक कैसे काम करेगा वो चीज़ आपको बताता हूँ। आपको तो अपना कोई भी मतलब कि आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है, जिसमें भी अगर आपको अपना चार्ट में देखना है कि यहाँ पास में से किस में यहाँ पास में से आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट बन रहा है। मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, यहाँ पास में से मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ कि यहाँ पास से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहाँ पास बन रहा है। यहाँ पास मैं आपको दो ट्रिक बताऊँगा ताकि आपको बाद में समझने में भी आसानी हो और काफ़ी ईजी वे से आप समझ भी जाओ। तो फिर ये हमारा यहाँ पास में से निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पास में से इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। अब यहाँ पास में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पास में से हमें देखना है यहाँ पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर बन रहा है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पास में से जो कैंडल वाली ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये यानी कि ये जो ये आपका कैंडल वाला ऑप्शन है ये इधर जो ये इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पास में से आपको यहाँ पास में से ये लाइन बार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये जो लाइन वाला है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पास में इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह का चार्ट बन जाएगा यहाँ पास में से। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पास मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम बना के रखा है। तो ओके, तो फिर यहाँ पास में से हमें यहाँ पास में पता करना है कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पास में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो बताता हूँ, यहाँ पास में से आपको एक रेक्टेंगल लेना है, आपको कभी भी लाइन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पास में से आपको रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पास में से आपको एक ब्रश देखने को मिलेगा, सिंपली आपको उस ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ पास में आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। एंड यहाँ पास में से अब यहाँ पास में से हम यहाँ पास में से इसको यहाँ पास में सेलेक्ट करके यहाँ पास में से कुछ इस तरह का हम रेक्टेंगल बना लेंगे और ये हमारा ये सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंट एरिया है, यानी कि इससे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है लेकिन इससे मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, यानी कि जितने भी बार मार्केट इधर टच हुआ है मार्केट वापस से ये जो ऐसे टच होकर वापस नीचे चला गया है। तो मतलब कि हमारा सपोर्ट जैसे काम कर रहा है एंड नेक्स्ट हमारा जो यानी कि रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पास में से अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट निकालना है तो फिर से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पास में देखेंगे तो ये हमारा ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पास में से अब इस एरिया से मतलब मार्केट तो नीचे आया तो मार्केट नीचे गिर गया। एंड उसके बाद अब यहाँ पास में जहाँ पास से मैंने आपको कैंडल चेंज करवाया था यहाँ पास में से वापस कैंडल वाला सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पास से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ पास में जो ऊपर में है ये हमारा ये रेजिस्टेंस है और नीचे में जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा सपोर्ट है, यानी कि ये नीचे वाला हमारा सपोर्ट जैसे काम करेगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आएगा अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट वापस रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पास से आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर गया ही नहीं है। एंड अब यहाँ पास से आपको एक ईजी वे तरीका बताता हूँ जिसमें आपको ये कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपका इंडिकेटर ही काम कर देगा। तो आपको इंडिकेटर वाले ये सेक्शन में आ जाना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास में से आपको सर्च करना है, इसमें आपको यहाँ पास में से आपको पिवट पॉइंट आपको ये सर्च करना है। तो यहाँ पास पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके आपका यह इंडिकेटर आ जाएगा, इसको आपको लगा लेना क्लिक करके एक बार, ये हमारा लग गया। एंड अब यहाँ पास में से आप देखोगे तो यहाँ पास में से हमारा जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर लग जाने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। पहले तो आपको घबराना नहीं, यहाँ पास में से आपको इंडिकेटर वाले में जाना है, यहाँ पर जो पिवट पॉइंट वाला ये दिख रहा है ये इंडिकेटर पे आपको क्लिक करके सेटिंग पे जाना है और यहाँ पास में से आपको R5 R4 और ये यानी कि ये तीन से हटा देना है, बस ये आपको तीन दो ही इंडिकेटर रखने हैं। यहाँ पास में से ओके पे क्लिक करना है एंड पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाने के बाद यहाँ पास में से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पास में इंडिकेटर बता देगा कि कहाँ पास में से आपका सपोर्ट है रेजिस्टेंस है। इस लेवल में आप देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पास भी हमने ड्रॉ किया था तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जैसे ये
और ये दोनों हमने बनाया था, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे इसी लेवल में हमारा बना है। एंड यहाँ पास में से नीचे में भी आपको देखने को मिला कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। जो S1 है वो हमारा सपोर्ट रहने वाला है और जो R2 रहने वाला है वो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पास में से कुछ इस तरीके से आप इस दो ट्रिक को यूज़ करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो चार्ट के अंदर, और इससे आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। फिर मैं किसी ने वीडियो साथ, तब तक लेते के रहें, बाय बाय।